और चले रुक करते राजधानी भोपाल की ओर, जहां से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टिकटों पर भाजपा की नजर, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी बिगाड़ सकते हैं खेल। आचार संहिता के साथ लोकसभा चुनाव की सियासत तेज हो चुकी है। नई पीढ़ी के नेतृत्व संभालने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में सतर्कता बरत रही है। ओबीसी प्रत्याशियों पर कांग्रेस का फोकस, बालाघाट सीट से कंकर मुंजारे जैसे कद्दावर नेता को उतार रही है पार्टी। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाएगा, जिसे तैयार किया जा रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टिकटों पर भाजपा की नजर है। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी खेल बिगाड़ सकते हैं, बड़ी खबर है। आचार संहिता के साथ लोकसभा चुनाव की सियासत भी एक तरफ से तेज नजर आ रही है। ओबीसी प्रत्याशियों पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सनी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ टिकटें बचा कर रखी हैं और अब कांग्रेस प्रत्याशियों का यहां पर उतारने जा रही है और गेम बिगाड़ सकती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, जहां जैसे नेता है उनके सामने बड़े नेताओं को उतारने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पे मध्य पूरे देश भर में जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टिकटों पर बीजेपी की भारी नजर है। लगातार भगदड़ मची है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहा लगातार। और 18 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, कांग्रेस की केंद्रीय समिति की बैठक। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी जो है खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का, और इसको लेकर जो है नई पीढ़ी के नेतृत्व संभालने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घोषणा की सतर्क बदल रही है। और ज्यादा से ज्यादा जो अब जो सीसीटीवी में जो नाम बचे हैं उन चेहरों को नाम दे रही है, जो ज्यादा युवा है, युवा चेहरों पर दाव लगाना चाह रही है। बात की जाए तो ओबीसी प्रत्याशी पर भी कांग्रेस का ज्यादा फोकस है। बालाघाट सीट पर जो है मुजरे उनको भी टिकट देने की जो बात जो कांग्रेस कर रही है, बागल जो कर रही है पार्टी, वहां कंकर मुंजरे जैसे कद्दावर नेता को उतारने की, बिल्कुल हाल ही 3 दिन पहले जो है जीतू पटवारी से मुलाकात की थी, लगभग बात पूरी हो गई है। अब हाल ही जो है 18 तारीख तक सूची आने वाली है। गुना में बात किया तो गुना में कद्दावर नेता है बीजेपी के ज्योतिराज सिंधिया, उनके अगेंस्ट अब जो है जो कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव के ओबीसी चेहरा, बड़ा जो ओबीसी चेहरा है उनको उतारने की तैयारी कर रही है। और इसी सीट पर जो है दिग्विजय सिंह का नाम भी चल रहा है गुना से। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किन बड़े चेहरों पर दाव लगाती है। जी जी बिल्कुल सनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।